दोस्तों, आज मैं आपको रेलवे में सिग्नल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट में जो हमारे सिग्नल मेंटेनर रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड से भर्ती होकर आते हैं, हमारा उत्तर रेलवे का एक प्रशिक्षण केंद्र है, संकेत व दूरसंचार प्रशिक्षण केंद्र उत्तर रेलवे जो गाजियाबाद में है, वहाँ पर हमारे नॉर्दर्न रेलवे के तथा नॉर्थ सेंट्रल रेलवे के, जो हमारे नॉर्दर्न रेलवे के 5 डिवीज़न हैं तथा नॉर्थ सेंट्रल रेलवे के 3 डिवीज़न हैं, उनमें संकेत व दूरसंचार विभाग में जो हमारे सिग्नल मेंटेनर डायरेक्ट RRB से भर्ती होकर आते हैं, उनके लिए यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है। और उनकी 1 वर्ष की ट्रेनिंग के दौरान जो हमारी सिग्नलिंग के टॉपिक्स या पाठ्यक्रम पढ़ाए जाते हैं, उनमें एक जो पाठ्यक्रम है वो ST-1 के नाम से है, जिसका नाम है आधारित पाठ्यक्रम। आज हम आपको आधारित पाठ्यक्रम में जो रेलवे की बेसिक जानकारी या मूलभूत जानकारी है उससे संबंधित है ये आधारित पाठ्यक्रम। इसमें रेलवे का संगठन या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रेलवे हमारा कैसा है उसके बारे में हम आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। रेलवे का जो संगठन है, भारतीय रेलवे, तो इंडियन रेलवे का जो हमारा एक बहुत बड़ा गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, रेलवे का जो संगठन है वो देश का सबसे बड़ा एक राष्ट्रीय उद्योग है। इसमें चलाने के लिए रेलवे मिनिस्टर रेलवे को चलाने के लिए पूर्ण रूप से कुशल प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होता है। इसमें हमारा जो इस कार्य में उनकी सहायता रेलवे बोर्ड करता है, और रेलवे बोर्ड का जो मुखिया है वो चेयरमैन रेलवे बोर्ड होता है। तो चेयरमैन रेलवे बोर्ड के जो अंडर में कार्य प्रणाली है वो इस प्रकार है कि मैं आपको बताता हूँ। जो रेलवे का संगठन है वो निम्न प्रकार है। जैसे आधारित पाठ्यक्रम में जो रेलवे का संगठन है वो इस प्रकार है। रेलवे का ऑर्गेनाइजेशन निम्न भागों में बांटा गया है, जिनके मुखिया मेंबर स्टाफ हैं, एक दूसरे मेंबर इंजीनियरिंग, तीसरा मेंबर मैकेनिकल, चौथा मेंबर ट्रांसपोर्टेशन, मेंबर इलेक्ट्रिकल, और जो अब अंत में हमारे डिपार्टमेंट के मेंबर बने हैं, मेंबर SNT। पहले हमारा जो SNT डिपार्टमेंट है वो मेंबर इलेक्ट्रिकल के अंडर में कार्यरत था, परंतु कुछ महीने से हमारे मेंबर SNT भी रेलवे बोर्ड में बनाए गए हैं। अब हमारा जो SNT डिपार्टमेंट है वो मेंबर SNT के अंडर में काम करता है। तो मेंबर SNT के अंडर में 2 मेंबर और कार्यरत होते हैं, जिन्हें अतिरिक्त मेंबर सिग्नल और अतिरिक्त मेंबर कम्युनिकेशन।
अतिरिक्त मेंबर सिग्नल के अंडर में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सिग्नल और फिर उनके नीचे जॉइंट डायरेक्टर सिग्नल कार्य करते हैं। ऐसे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अतिरिक्त मेंबर कम्युनिकेशन के अंडर में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कम्युनिकेशन और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कमीशन के अंडर में जॉइंट डायरेक्टर कम्युनिकेशन तो दोस्तों ये हमारे रेलवे बोर्ड की संरचना है कि किस प्रकार हमारे जो उच्च अधिकारी हैं जो रेलवे बोर्ड में बैठे हुए हैं वो पूरे भारतीय रेलवे को कंट्रोल करते हैं। इनके अलावा मेंबरों के अलावा एक फाइनेंशियल कमिश्नर होता है जो हमारी इनकम और एक्सपेंसेस की व्यवस्था के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। भारतीय रेलवे को 17 जोनों में डिवाइड किया गया है जो कि मैं एक टिप्स पर आपको बताना चाहूँगा। दोस्तों भारतीय रेलवे को 17 जोनों में डिवाइड किया गया है तो 17 जोन जो पूरा इंडियन रेलवे है उसको 17 जोनों में डिवाइड किया गया है जिससे हमारा जो कार्य है जोन वाइज वो ठीक प्रकार से सुचारू रूप से ठीक प्रकार से चलता रहे। तो जोन वाइज डिटेल को समझने के लिए मैं आपको एक टिप्स फॉर्मूला बताता हूँ। इसके लिए φn φs3e2w1c1m ये टिप्स के फॉर्मूला आप याद रखेंगे तो आपको इन 17 जोनों के बारे में पूर्ण जानकारी मिल जाएगी। यानी नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट और एक सेंट्रल में C4 सेंट्रल M4 मेट्रो तो 5 जोन हमारे नॉर्थ से रिलेटेड है 5 साउथ से 3 ईस्ट से 2 वेस्ट से 1 सेंटर से और 1 M4 मेट्रो से तो 5 5 10 3 13 2 15 1 16 1 17 तो ये हमारे 17 जोन हैं। तो 17 जोन में हम 5 एस के लिए मैं आपको एक ये टेबल बताता हूँ 1 2 3 4 5। तो फर्स्ट एन का मतलब है नॉर्दर्न रेलवे
नॉर्दर्न रेलवे का जो हेडक्वार्टर है, ये मैं हेडक्वार्टर की एक लिस्ट आपको इधर बताता हूँ। नॉर्दर्न रेलवे का जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली है मुख्यालय। इसका जो कोड है NDLS। दूसरा एनी रेलवे का हेडक्वार्टर गोरखपुर। GKP। तीसरा है NEFR। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे। NEFR का जो हेडक्वार्टर है वो गुवाहाटी मालीगांव। चौथा NWR। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे, इसका हेडक्वार्टर जयपुर। JP। और पांचवा है NCR। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, NCR का हेडक्वार्टर इलाहाबाद। ODLD। तो 5N हमारे खत्म हुए, अब 5S चलते हैं। तो S में सबसे पहले सदर्न रेलवे। सदर्न रेलवे का हेडक्वार्टर चेन्नई। साउथ सेंट्रल रेलवे, हेडक्वार्टर सिकंदराबाद। साउथ ईस्टर्न रेलवे, कलकत्ता। सियालदा साउथ वेस्टर्न रेलवे, हेडक्वार्टर हुबली। और दसवां है साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे। इसका हेडक्वार्टर है बिलासपुर। उसके बाद 3E के आते हैं। तीन ई में ईस्टर्न रेलवे, कोलकाता, हावड़ा। उसके बाद है ईस्ट सेंट्रल रेलवे, ईस्ट सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर हाजीपुर। उसके बाद ईस्ट कोस्ट रेलवे, भुवनेश्वर। तो 3E के खत्म हुए, उसके बाद 2W के। तो W में वेस्टर्न रेलवे, वेस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर मुंबई, चर्च गेट। उसके बाद WCR, इसका हेडक्वार्टर जबलपुर।
और उसके बाद जो है 1C, सी फॉर सेंट्रल रेलवे, सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर मुंबई, CST। और उसके बाद जो है 17 में मेट्रो रेलवे, एम से, इसका हेडक्वार्टर कोलकाता। तो इस प्रकार भारतीय रेलवे को 17 जोनों में डिवाइड किया गया है, जिसकी लिस्ट मैं आपको बता चुका हूँ। ये है हमारे भारतीय रेलवे की संरचना।